हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है एक गुब्बारा, एक बलून। और जब हमारे दिमाग में गुब्बारा आता है तो भाई साहब एक नॉर्मल ऐसी चीज आती है जिसमें हम हवा भर सकते हैं, बच्चे खेलते हैं। लेकिन क्या गुब्बारा जान बजा सकता है क्या भाई किसी की? आज हम लोग यही टेस्ट करने वाले हैं। बड़ा ही क्रेजी आइडिया है क्योंकि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर पानी के बीच, चारों तरफ हमारे पानी है। और सिंपली क्या करेंगे भाई, आज बनाने की कोशिश करेंगे गुब्बारे की नाव, यानी कि बलून्स की नाव, बलून्स की बोट, जो कि आप समझ सकते हो गुब्बारे में सिर्फ हवा होती है तो बहुत ज़्यादा हल्की होगी। तो यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि क्या वो इतनी लायक होगी कि वो एक इंसान की जान बचा सकती है, या क्या एक इंसान डूबने से बच सकता है क्या गुब्बारे से बनी नाव पे? और उसको बनाएंगे कैसे वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक चीज़ होती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस है लेकिन यार मज़ा बहुत ही आने वाला है। आप लोग भी वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। आज की वीडियो का टारगेट है 5 लाख लाइक्स का। गाइज 5 लाख का जो टारगेट है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, जल्दी से ठोक दीजिए लाइक। और यहाँ तक हम लोग कैसे आए ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग जो है बोट के थ्रू ही आए हैं, नॉर्मल जो हमारी हवा वाली बोट है उसका यूज़ करके। लेकिन अब उसका यूज़ ख़त्म है, अब जो है बलून की बोट बनने वाली है। शुरू करते हैं। बस तो गाइज यहाँ पर हम इस पंप का यूज़ करके जो बलून्स हैं सबसे पहले तो उनको फुला रहे हैं। और जो बलून्स हैं उनको आपस में भी जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ये काफ़ी सारे गुब्बारे हैं तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेप का, सेलो टेप जो कि चौड़ी वाली है, ठीक है। और टेप जो है वो भी यार अपने आप में बहुत कमज़ोर होती है, जब इसकी कम लेयर्स हो खासकर तब तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो भाई पहली टेप हम अरे ये क्या है भाई? दोस्तों ये जितना आसान दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है भाई इसकी बोट बनाना। तो गाइज यहां पर हमने कई सारे बलून को बड़ी मुश्किल से जोड़ा है भाई, बार बार फूट रहे हैं यार। और अब हम यूज लेंगे क्लिंग रैप का, ठीक है। तो क्लिंग रैप जो है उसको मैं किसी टेप पर चिपका देता हूँ और अब जो है इसको पूरे के ऊपर लपेटेंगे हम लोग। और क्लिंग रैप शायद इनको फोड़ेगी भी नहीं क्योंकि इसके ऊपर जो है कोई ग्लू नहीं होता, जैसे पूरा इसको रैप करके पूरा पैक कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर अब जो है सेफ्टी ले रहे हैं प्रॉपर, लाइफ जैकेट ज़रूरी है क्योंकि भाई साहब कुछ भरोसा नहीं है इस चीज़ का और ये जो है बड़ा ही रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर भैया कोई रिस्क नहीं लेने का, एकदम बढ़िया सेट। ये है हमारे बलून की बोट जिसके वजन की अगर बात करूं तो देखना मैं इसको नीचे गिराऊंगा, देखो देखो कितना धीरे धीरे नीचे आती है इसके अंदर। भाई मुझे नहीं लगता कि 15-20-25 ग्राम से ज़्यादा वजन वेट है ही नहीं यार इसमें। इसमें लगभग 16-17 बलून्स लगे हुए हैं उससे ये बनी है और मुझे उम्मीद है कि ये, मुझे लग नहीं रहा कि ये वैसे तैरेगी ज़्यादा, लेकिन गाइस बलून से तो यही बनाना पॉसिबल है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या होता है, इसको पकड़ के रखो। तो गाइस पहले देखते हैं कि बोट अपने दम पर तैरेगी कि नहीं। तैर रही है एकदम बढ़िया। और ये बजरंग बली, सांप, मेंढक, कछुए निकट नहीं आने चाहिए। पता नहीं कितना गहरा गड्ढा है, आई डोंट नो। और गाइस अबे दूसरा भी फट गया यार, हम तो पानी में है लेकिन मैं धस रहा हूँ नीचे यार, शिट। तो गाइस मैं इस पे जो है जस्ट सोफा की तरह बैठने की कोशिश करता हूँ एक बार। ओए बैठ गया, वाओ। अबे मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि मैं बलून्स में रुक जाऊंगा। अरे हिल तो नहीं सकता मैं ज्यादा। मोहित मुझे कुछ चलाने का दे देगा, एक चप्पू दे दे मुझे। गाइस अबे यार मैं चला तो जाऊंगा, देखो यार एक चप्पू से कैसे चलाऊं इसको।
नहीं सही है गाइस, सोचो मैं बलून्स के ऊपर बचा हुआ हूँ अभी, नहीं तो मैं पानी में नीचे, वैसे पानी यहाँ इतना गहरा नहीं, आगे गहरा है, पर आप लोग सोचो कि बलून्स मुझे रोक पा रहे हैं, मतलब मुझे पानी में रोक पा रहे हैं यार बलून्स, मैं आगे जाता हूँ अब मैं। ओए यार वाओ। तो गाइस यहाँ पर मैं जो है अपने बलून की बोट में बैठ करके पानी में आ चुका हूँ। देखो मेरा ये चप्पू है, यहाँ मेरे पैर है, और आप लोग देख सकते हो कि मैं जो है अभी फिलहाल पूरा पानी के अंदर हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पैर जो हवा में, और यहाँ मैं जो है सिर्फ इस बलून की बोट के ऊपर ही बैठा हुआ हूँ और आपसे यहीं पर बातें कर रहा हूँ। गाइस यार कमाल है ये तो भाई, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, जिस तरीके से गुब्बारे फट रहे थे, जिस तरीके से बलून फट रहे थे, मुझे लग रहा था कि नहीं ये आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर पता है मैं चप्पू से आगे भी चल सकता हूँ, मैं आपको वो भी एक बार दिखाता हूँ। देखो अगर मुझे बोट को घुमाना है, मैं चप्पू को कुछ इस तरीके से मारूंगा तो बोट जो है वो इस तरीके से घूम जाएगी, पूरी जो बोट है वही घूम रही है। और अब अगर मुझे आगे चलना है तो मैं चप्पू को कुछ इस तरीके से चलाऊंगा तो जो बोट है वो आगे चलेगी। देखो मैं इसको यार सही से, यार गाइज यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कैमरा और इसको ऑपरेट करना, लेकिन आप इन पेड़ों को देखो जो साइड में है, ये जो है पीछे की तरफ जाए जा रहे हैं और मैं जो है आगे चल रहा हूँ, क्या बात है। और सोचो कि सब कुछ जो है वो एक बलून की बोट के ऊपर हो रहा है, और कुछ हथियार नहीं है मेरे पास में, एक चप्पू है और ये एक बलून की बोट है। और गाइस जितना इसका साइज वगैरह हमने बनाया और उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है यार। कुछ बलून फूट गए, तेरा हो गया खराब। गाइस कुछ बलून फूट चुके हैं और मैं तुरंत जैसे गुब्बारे फूटे मैं नीचे हो गया, लेकिन अभी भी मैं तैर रहा हूँ, अभी भी मैं जो है इसमें डूबा नहीं हूँ, अभी भी जो गुब्बारे हैं वो मुझे तैरा रहे। देखो मेरे पैर ये जो है अभी भी ऊपर है, और ये शायद नीचे कुछ पेड़ पौधों की वजह से फटे हैं। तो गाइस काम ये चीज़ अभी भी कर रही है, लेकिन अब मैं जो है इसको यूज़ करके गहरे पानी में नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। तो भाई अब जो है मैं काफी कॉन्फिडेंस यहाँ पर गेन कर चुका हूँ, और देखो किनारे से मैं यहाँ पर इतना दूर आ चुका हूँ, और अब जो है यहाँ देखो कोई पेड़ पौधा नहीं है, एकदम गहरा पानी है चारों तरफ में देखो। और यार भाई अब जो है जाकर के मजा आया है, और एक बात और, ये जितना गहरे पानी में रहेगा उतना सेफ रहेगा, क्योंकि जो बलून्स है वो फूटेंगे नहीं। देखो आप लोग एक बार जो बलून्स है उन्होंने किस तरीके से इस पूरे राफ्ट को रोका हुआ है, और शुरू में कुछ बलून फटे भी थे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो राफ्ट है वो देखो एकदम मस्त तरीके से तैर रहा है। और गाइस मेरे पास ये छोटा सा गोप्रो ही अभी आपको दिखाने के लिए, और एक ये चप्पू है। लेकिन यार भाई ऐसा भी होता है कि जैसा हम सोचते हैं उससे बेहतर तरीके से चीजें काम करती है। सोचो मतलब 15-20 ग्राम की बोट है, लिटरली कोई वेट नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं पानी के अंदर देखो एकदम मस्त तरीके से पड़ा हुआ हूं। देखो मेरे जो पैर हैं वो यहां पर हैं, और यार ये फोटो फोकस कहां से हो गया देखो, और बस। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ और मैं गया, लेकिन उसके लिए मेरे पास सेफ्टी जैकेट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पानी गहरा है, कम से कम यहाँ जो पानी है वो 5-6 फीट गहरा है। राफ्ट को चलाना इसलिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि
इसका वजन इतना कम है, तो मुझे सिर्फ मेरा जो वेट है उसको ही आगे पीछे करना पड़ता है। और देखो मैं जो है वहां से एक बार में जो है यहाँ पहुंच चुका हूँ। और गाइस ये मेरा जो राफ्ट है ये रहा, ये देखो इतना हल्का है कि ये गया। बस इतना इसमें वेट है। और सक्सेसफुली जो है मैं कम से कम 20-25 मिनट इस जोहड़ में इस पानी में बिता करके आ चुका हूँ। तो भाई वह देना मुझे हमारा ये जो राफ्ट है ये यार कितना कितना मस्त तरीके से काम किया। कुछ बलून्स भी फटे, लेकिन सोचो कि कुछ गुब्बारे और कुछ टेप वगैरह की मदद से कितनी बढ़िया चीज़ यहाँ पर तैयार हो सकती है, जो कि इमरजेंसी केस में जान बिल्कुल बचा सकती है। लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, इस साइड में आ जाओ, ऊपर आ जाते हैं यार, नीचे सांप वाँप का डर रहता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मैं भाई बिल्कुल भी ये प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि आप लोग ये बना करके अपनी जान बचाओ, क्योंकि प्रॉब्लम है भाई। अगर मान लो आपके पास लाइफ जैकेट ऑब्वियसली नहीं होगा, अगर यही है और इसके बलून फूट गए तो क्या करेंगे। लेकिन जिस स्थिति में इंसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ ये चीज़ काम कर सकती है कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन हमारा काम तो एक्सपेरिमेंट करके देखना कि क्या ऐसा कुछ जो जुगाड़ है वो पानी में तैर पाएगा क्या। और ये तैरा भाई, आपके सामने मैं वहाँ तक घूम के आया हूँ। तो इसी बात के लिए एक लाइक ठोकना ज़रूर से बनता है। और यार ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि मुझे लग रहा था कि फेल होगा, लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है कि हमको लगता है कि भाई ये चीज़ तो नहीं काम करेगी, और वो ऐसा ज़बरदस्त काम करती है। मैं सोच रहा था इस पे पता नहीं किस तरीके से बैठेंगे, चप्पू चलाएंगे, लेकिन जैसे मैं बैठा मुझे सोफ़ा की तरह लगने लगा कि मैं एक मस्त सोफ़ा पे बैठा हूँ। बस यहाँ ज़्यादा इधर उधर नहीं होना, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं थी। और सोचो इसका वज़न, इसमें कोई वेट ही नहीं है भाई, गुब्बारे हैं। तो लाइक ज़रूर से ठोक देना, 5 लाख लाइक्स का टारगेट था वो पूरा कर दो। अब अंधेरा हो चुका है तो हम लोग भी वापस जाएंगे, हमको बोट लेके वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से जो है अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। लाइक ठोक देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।